पंजाब पुलिस की AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कुख्यात गैंगस्टरों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिसकी जानकारी पंजाब के DGP ने दी। जिन पर फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर गैंगस्टरों को विदेश भेजने का आरोप है, AGTF ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुखजिंदर सिंह, ओंकार सिंह और प्रभजोत सिंह के तौर पर हुई। DGP ने बताया कि आरोपियों से गैंगस्टरों के 8 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का भी इन्होंने ही फर्जी पासपोर्ट बनाया था। पुलिस इन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसने बीते लगभग 2 महीनों में की पर ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं किया था जो दुनिया में हेडलाइन बन जाए, लेकिन सूरज उगने से पहले उसने अचानक की पर धावा बोल दिया। रूस के हमले की टाइमिंग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अटकलें हैं कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बहुत बड़ा पलटवार करने वाला है, जिसके लिए वो अपने हजारों सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। यूक्रेन का मकसद है कि वो रूस से अपनी जमीन का एक एक इंच छुड़वा कर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन हमला करता, रूस ने उसके हौसले तोड़ने के लिए उसकी राजधानी से लेकर मध्य यूक्रेन के शहरों पर भी मिसाइल से लेकर ड्रोन बरसा दिए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक रिहायशी इमारत पर गिरी रूस की मिसाइल ने उसका एक हिस्सा ही उड़ा दिया। इमारत के पास खड़ी गाड़ियां चलने लायक ही नहीं बची, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर 23 मिसाइलों से लेकर 2 ड्रोन भी जलाए, और वो भी तब जब यूक्रेन के लोग सो रहे थे। इस वजह से लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और नींद में ही मौत ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, उमन, क्रमेंचुक और नीप्रो शहर पर हमले किए, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत उमन शहर में हुई। जेलेंस्की को इस बात की आशंका थी, इसलिए वो यूरोप के देशों से बार बार एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे थे। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने यूक्रेन को अपना बेहद दमदार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया भी, लेकिन यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल किया या नहीं ये साफ नहीं है। मगर रूस को ये बिल्कुल साफ था कि उसका दोस्त चीन इस जंग को रुकवाने की कोशिश में लगा है। 2 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और जंग खत्म करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले कर दिए। मतलब पुतिन ने अपने दोस्त चीन की कोशिशों पर ही पानी फेर दिया। हालांकि कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर एयर स्ट्राइक करने से पहले ही रूस ने बिल्कुल खुलकर अपने इरादे जता दिए थे। 2 दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि समंदर में तैनात उसका लंबी रेंज का और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला एक हथियार यूक्रेन की रिजर्व में मौजूद फौज के अड्डे पर जाकर फटा। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि उसने यूक्रेन पर हमला किया कहां था। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका से बार बार उसका ताकतवर फाइटर जेट F-16 मांगे जा रहा है, लेकिन अमेरिका को डर है कि अगर उसने यूक्रेन की जंग मांग मानी तो जंग पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को अब यूक्रेन को F-16 देने पर विचार करना चाहिए, ताकि यूक्रेन खुद को रूस के हमलों से बचा सके। यूक्रेन का कहना है कि जब उसके पास अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान होंगे तो वो बेहतर तरीके से रूस के हमलों का सामना कर सकेगा। लेकिन यूक्रेन को अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तक दे चुका अमेरिका पुतिन के डर के मारे यूक्रेन की ये मदद करने को तैयार नहीं। अमेरिका को लग रहा है कि अगर उसने यूक्रेन को अपना F-16 फाइटर जेट दे दिया तो पुतिन ऐसे भड़केंगे कि यूक्रेन की जंग में हर हद पार हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी कई हथियार यूक्रेन को इसी आशंका में नहीं दिए गए कि वो जंग को और बढ़ा देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वैसे ही F-16 भी रूस को भड़काएगा नहीं बल्कि उसके हौसले तोड़ेगा। लेकिन बखमूत में रूसी सेना के हौसले पूरी तरह